बाकी डिटेल्स आपको वीडियो में बताऊंगा प्राइसिंग को लेके सबसे पहले बता दूं गाड़ी वेल well मेंटेन्ड है ब्रांड न्यू कंडीशन की गाड़ी है बता दूं आपको इस कार के है कोई आपको और लग्जरियस कार चाहिए कोई ए वर्जन चाहिए आपको एन स्पोर्ट की कार चाहिए साइड में कार मॉल का पेज आ रहा है यहाँ पे आप जाके इन्हें फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलता है जो भी नई कार इनके स्टॉक में ऐड होती है सबसे पहले यहां पे आपको अपडेट मिलता है क्योंकि जब हमारी वीडियो शूट होती है वीडियोज को दो दिन चार दिन लगते हैं आने में लेकिन यहां पे कहता है जब जो जो नई गाड़ी आती है तो यहां पर सबसे पहले अपडेट मिलता है यहाँ पे आप जाकर फॉलो कर सकते हैं बाकी अगर आप मुझे जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो वहां पर आपको इनके सिनेमाटिक्स वाली रील एंड आपको इंस्टाग्राम पर इनकी इन्फॉर्मेटिव रील देखने को मिलती है तो वहाँ पे मुझे जाकर जरूर फॉलो करना दोनों लिंक का डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएंगे ठीक है so, चले चलते हैं हैं शुरू करते आज की इस को। सबसे पहले हम स्टार्ट इस कार की फ्रंट पर फैलते पहले तो आप गाड़ी देखो यार रेड हॉट ब्यूटी एंड नो डाउट यार इस गाड़ी पे कलर बहुत सूट करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गैस ये है आपकी मर्सिडीज बेंस की मल्टी बीम एलईडी आपको मिलती है जिसमें आपको इधर आकी आपकी ये हो गई आपकी टर्निंग लाइट्स मिलती है एंड यहाँ पे आपके हो गए दो प्रोजेक्टर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ठीक है लाइट्स का मैंने आपको पैटर्न दिखाया एकदम देख लो साफ सुथरी लाइट है एक सिंगल स्क्रैच पूरी लाइट्स पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कार मोड़ की ऐसी कार्स जो होती है क्वालिटी कार्स होती है ठीक है अब हम यहाँ पे बात करेंगे मसीडिज ब्रेंस का यहाँ पे आपका लोगो आएगा ठीक है यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे आपका आ जाता है थ्री लोगो और इसके नीचे ये जो देख रहे हो यहाँ पे आपको मिलता है कैमरा बेसिकली क्या है इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आपको फ्रंट में बैक में, में है, है? बाकी है, तो है, हाँ है उसके नीचे में आऊं तो नीचे आपको दिखाऊंगा तो ये देखो देखो इसमें इतने बड़े बड़े साइज के मतलब एंड टेक के लिए इतने बड़े आपको दे रखे बाकी हम नीचे बात करेंगे तो इधर आपके आ जाते हैं सेंसर ठीक है एंड ये जो है ये कस्टमर जिनकी गाड़ी थी उन्होंने आफ्टर मार्केट इसमें ये आपके ये यहाँ पे इंस्टॉल करा रखे जो कि आफ्टर मार्केट इसमें आपको देखने को मिलते हैं। फ्रंट से मैंने आपको कार की लुक दिखा दी अब आपको लेके चलता तो हूँ साइड प्रोफाइल तो में आइए साइड प्रोफाइल की गायर मैं अगर बात करूँगा प्रोफाइल से आप गाड़ी देखिए तो ये देखिए टायर्स की बात करूँ टायर्स जो इसमें आपके इंस्टॉल्ड है वो मुश्किल के टायर है अंदर जो ब्रेक ब्रेक कैलिपर्स है उसमें आपको मिलती है ई की बैजिंग एंड यहाँ पे जो है आपके आते हैं मर्सिडीज बैंक की बैजिंग एंड अल जो है इसमें आपको ग्रे एंड ब्लैक के कॉम्बो में देखने को मिलता है बाकी साइड प्रोफाइल के आज आप गाड़ी देखिए नीट एंड क्लीन एक सिंगल स्क्रैच देखने को मिलेगा यहाँ पे पाओगे तो यहाँ पे आपके आते हैं बाय टर्बो फोर की बैजिंग बेसिकली इट्स अ फोर व्हील ड्राइव का ठीक है इधर हम बात करेंगे तो इधर ये जो है आपको रेड एंड ब्लैक के कमर मिलता है जो आपको मिररर से इधर आपको ग्लॉसी ब्लैक देखने को मिलता है ऑटो फोल्डेबल मिररस है विद एल टर्न इंडिकेटर एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका आता है इसका कैमरा जो कि मैंने जैसे क्या को बताया था, था इसमें थ्री डिग्री कैमरा का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है साइड पर खुलता है गाड़ी देख लो इवन जो आप ये देख रहे हो विंडो के जब साइड इधर देख रहे हो साइड ऊपर देखते हो ये पूरी इधर जो है आपको यहाँ पे पूरी ब्लैक ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलती है अब बात करूंगा यहाँ पे देखो ए एम जी की आपकी बैजिंग आ जाती है ठीक है और बैक पर फैलते पूरी आपको कार दिखाता हूँ तो बस ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है ये आपका पूरा ये एल लाइट पैटर्न आपको देखने को मिलता है ठीक है ये जब देख रहे हो यहाँ पे आपको अलग अलग इधर ये आपको बल्ब देखने को मिलता है जो कि एल ई इसमें आपको इसमें इंस्टॉल मिलता है ठीक है जी यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये जो है ये आपका कंपनी फिटेड डी इसमें आपको ये स्पॉलर दे रखा है जो इसमें आपको देखने को मिलेगा मर्सिडीज बैंस की यहाँ पे बैजिंग आएगी एंड ये देखिए मर्सिडीज बैंस ए क्लब की यहाँ पे जो एक आपको एक ये आपको लोगो मिलेगा देखने को जो कि यहाँ पे कस्टमर ने इसमें फिट करा रखा है बाकी ये देखो ए टर्बो ए एम जी के यहाँ पे आपको बैलिंग देखने को मिलती है ठीक है ये भी आपकी जो कि है इसमें आपकी लोडिंग में आती है इसको हम ओपन करेंगे इसके बूट स्पेस को तो ये देखिए बूट स्पेस को ओपन किया तो ये देखो जी बूट स्पेस की क्या हम बात करें इस गाड़ी में आपको आराम से 500 लीटर का बूट स्पेस आराम से इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है जो कि इस गाड़ी में आपको फिलहाल देखने को मिलता है ठीक है बाकी इसको हम बात करें तो यहाँ से प्रेस करें तो ये देखो यहाँ से जो है इसको सीट्स को जो है अपना फोल्ड कर सकते हैं ठीक है जी क्या अब ये देखो इसकी जो सेकंड होती है स्प्लिट सीट जो उसमें मिलती है वो फोल्ड हो चुकी है एंड नो डाउट अगर मैं बात करूं यार इसमें ना आप आराम से ना एक अच्छी बड़ी सजी साइकिल फिट करके लेके जाते हो मोटर बाइक तो बहुत गलत होगा बोलने के लिए लेकिन एक अच्छी बड़ी साइकिल इसमें फिट हो सकते हैं मतलब इतना इसमें आई थिंक अगर मैं बात करूँ सात सौ आठ सौ से लीटर का ज़्यादा का इसमें बूट से इस समय बन चुका है लेकिन इतना कोई यूज़ नहीं करता ना के बराबर करता है लेकिन तब भी हमारा फर्ज है हम दिखा रहे हैं आपको ठीक है बाकी इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका आता है इसका डोना टायर जो कि देखो अभी, अभी अनयूज कंडीशन में ही पर पड़ा ठीक है इसको पम्प करेंगे क्लोज तो यहाँ हमने प्रेस किया तो ये आपका हो जाता है क्लोज ठीक है बात करेंगे जो इसमें आप ये एग्जॉस सिस्टम देख रहे हो एग्जॉस्ट सिस्टम जो आपको इसमें मिलता है गैस ये आपका इसमें आफ्टर मार्केट देखने को मिलता है जो कि इसका लोडिंग्स में ही आता है मतलब जो कंपनी से फिटेड आता है वो नहीं है इसमें आफ्टर मार्केट जो कि कस्टमर ने इसमें अपना लोडिंग्स में एक्स्ट्रा लोडिंग में अपना इंस्टॉल करा रखा है ठीक है बाकी इधर से भी आई वो साइड टू से यहाँ से भी आपको गाड़ी दिखा दूँ तो क्या ये देखो गाड़ी जो है यहाँ से भी एकदम नीट एंड क्लीन कंडीशन में है अब एक बार आपको सेकंड रो का स्पेस दिखाता दिखाऊँ देन लेके चलूँगा आपको आगे आइए तो क्या एक बार मैं आपको पहले सेकंड रो दिखाता हूँ सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे आपको मैनुअल ब्लाइंड्स मिलते हैं जो कि आपको यहाँ से अब इसको आप अप डाउन कर सकते हैं ठीक है जी थी? यहाँ से देखो मैनुअल ब्लेंड जो कि मैंडेटरी हर गाड़ी में होने चाहिए का इसमें को सिस्टम मिल सकता है वन ऑफ दी मोस्ट सपोटेटिव ब्रांड है जो कि खासकर मर्सिडीज बैंस की गाड़ियों में आपको इसका साउंड सिस्टम देखने को मिलता है ट्विटर स्पीकर आ जाते हैं यहाँ पे आपकी वोटल पैनल की फिनिशिंग आ जाती है यहाँ पे आपका आता है पूरा लेदर विद स्टिचिंग ठीक है अब मैं बात करूंगा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ अंदर तो आप ये सीट्स देखिए एक सिंगल कोई वेयर एंड टेयर नहीं है एक सिंगल स्क्रैच नहीं पूरी सीट से मिलेगा एकदम ब्रांड न्यू सीट्स है और सीट्स की बात करूँगा ये आपकी एल्केंट लेदर है जो इसमें सीट्स में आपको देखने को मिलती है प्लस ये देखिए जैसे कि एम जी वर्जन की कार है तो ये देखिए जो इसमें आपको ये मिलते हैं आपकी ये सीट्स में सुनती है तो देखिए आपको रेड रेड रे की फिनिशिंग में देखने को मिलेगी बाकी हम बात करें अंदर से आप क्वालिटी देखो नो डाउट बढ़िया है एक बार मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ स्पेस के मामले में गाड़ी देखो स्पेस के मामले में अगर मैं बात करूँ गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है लेग स्पेस भी बहुत अच्छा है यहाँ पर आपको मिलेगा एंड हेड स्पेस भी बहुत आपको अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ पे आपके आते हैं दो ए सी वेंट आते हैं एंड इस गाड़ी में आपको मिलता है सिर्फ टू जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा नीचे आपके आते हैं दो टाइप सी के पोर्ट ठीक है तो गैस ये हो गई फिलहाल फ्रंट की बात अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो की मीन इस गाड़ी का जो मजा है जो पंच है वो फ्रंट में आइए आपको लेके चलता हूँ दिखा हूँ क्या, क्या फीचर मिलता है आइए सो so अंदर एंटर करने से सबसे पहले मैं आपको फ्रंट की भी सीट्स दिखा दूँ ये देखो अल्कैंडारा लेदर इसमें आपको देखने को मिलता है, है ये देखिए जो इसकी सीट्स बेल्ट है ये देखिए आपकी मसीडिस बैंस की बैजिंग का आपका ये लगा हुआ है यहाँ पे एंड बाकी ये देखिए रेड कलर की इसमें आपको जो है सीट्स बेल्ट देखने को मिलती है ठीक है तो चलिए अब मैं एक बार आपको अंदर से गाड़ी का एंटर करता हूँ एट टाइम अब मैं आ चुका हूँ मसीडिस बेंस जी एल सी फोर्टी की फ्रंट रोम में एंड नो डाउट यार बहुत ही ऑसम है ये तो चलिए एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है कार हो जाती है स्टार्ट ठीक है एंड आटमें इसका एग्जॉस्ट सिस्टम जो है ऑन है मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड की भी इसकी एग्जॉस्ट सुनूँगा ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए बमिस्टर का यहाँ पे आपको साउंड सिस्टम देखने को मिलता है यहाँ पे जो आपका सीट एडजस्टमेंट के ऑप्शन आते हैं यहाँ पे आपके आते हैं मेमरी सीट के ऑप्शन यहाँ पे आपके आएगी वुडन पैनल की फिनिशिंग इधर जो आप देख रहे हैं आपको मिररर क्लोज करने का ऑप्शन यहीं से मिल जाते हैं ठीक है यानी नीचे आप इसको ओपन कर सकते हैं बाकी यहाँ पे आपके आते हैं इसमें आपके पावर विंडोज के ऑप्शन आते हैं एंड यहाँ पे आपका लॉक एंड लॉक का सिस्टम आता है ठीक है जी अब आते हैं फ्रंट रोके अगर हम बात करें फ्रंट की ठीक है ये देखिए जो आप सबसे पहले मसीडीज बेंस का आप ये देख रहे हैं बीच में आपके आते हैं मसीडीज बेंस की बैजिंग आती है यहाँ पे सारे आपके कंट्रोल्स आते हैं ये देखिए पूरी आपके क्रो आपका जो क्रोम ब्रश की फिनिशिंग में इसमें आपको देखने को मिलता है सारे जो इसके कंट्रोल्स है वॉल्यूम अप डाउन करने के बैक करने के होम के ऑप्शन हो गए सारे आपके ऑप्शन यहीं पे आपको देखने को मिल जाते हैं ठीक है जी यहाँ पे आपके आती है ए की बैजिंग जैसे कि ये कि ए वर्जन की कार है एक चीज जो इसमें एक लोडिंग में आपको एक्स्ट्रा मिलती है इस गाड़ी में आपको हेडसअप डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता जो कि कस्टमर ने ये देखिए आपका आफ्टर मार्केट ये देखिए लगवा रखा है यहाँ पे ये देखिए ये हम इसको एक्स्ट्रा लोडिंग में बोलेंगे कि जो कि कस्टमर ने आफ्टर मार्केट लगवा रखा बाकी हम फ्रंट की बात करेंगे तो ये देखिए स्पीडो आता है बीच में आपका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कार जो है सिर्फ सेवन किलोमीटर चली है किलोमीटर चलिए यानी यहाँ पे आपका आता है इसका गाय आपका आरपीएम मीटर ठीक है सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका टच ऑपरेटेड है इसमें आपको टेन इंच का आपको लंबा टैब मिलता है देखने को तो यही से उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं टच की क्वालिटी की बात करूँ यारसीडिस बेंस की आप गाड़ी देख रहे हैं नो no डाउट सब चीज़ चाहे मटेरियल की बात करूं चाहे टैप की बात करूं चाहे स्टेयरिंग की बात करूं सब चीज़ एकदम टॉप टॉपराज इसमें आपको देखने को मिलती है टोटल इसमें आपको वन टू थ्री फोर एंड फाइव इसमें आपको ए सी इवेंट्स इसमें आपको देखने को मिलता है ठीक है इधर आपके सारे आपके मीनू के ऑप्शन आ जाते हैं ए सी इवेंट्स के ऑप्शन ब्लोअर के ऑप्शन आ जाते हैं ठीक है बाकी मैं बात करूँगा यहाँ पर टेलीफोन हो गया ठीक है नेविगेशन हो गया रेडियो मीडिया हो गया सबके आपको अलग अलग यहाँ पे बटन आपको दे रखे हैं ठीक है ये यह देखिए यहाँ पे आपका आता है क्विक एक्सेस आता है तो यहीं से इसका आप इसका असिस्टेंस व्हीकल लाइट्स सिस्टम आप यहीं से सारा इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जो कि सारा आप यहीं से इसका टच से ऑपरेट कर सकते हैं बाकी हम बात करेंगे यहाँ इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर आपका आता है यहाँ पर आपका वायरलेस चार्जर आता है टाइप सी का यहाँ पे आपका पोर्ट देखने को आपको मिल जाता है लाइक जैसे कि एट अ टाइम टाइप सी के पोर्ट आईफोन्स में आते तो यहाँ पे आप इजीली चार्ज कर सकते हैं मतलब और भी सैमसंग के फोनों में भी आते हैं कई फोन में मिलते हैं ठीक है जी यहाँ पे आपकी आती है पूरी वुडन पैनल की फिनिशिंग जो कि मैट में आपको देखने को मिलती है ये जो है टच पैड दे रखा है ये देखिए टच पैड ये देखिए नो डाउट टच है लेकिन आप चाहो तो टच पैड से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो और चाहो तो इसको आप अपना टच से भी इसको आप यूज कर सकते हो तो टच पैड एंड टच दोनों आप यूज कर सकते हो इसमें आपको मिलता है ये आपको डायनामिक मोड ये देखिए अब मैं आपको ये दिखाऊंगा लाइक ये देखिए स्लिपरी इंडिविजुअल कंफर्ट स्पोर्ट्स स्पोर्ट प्लस इसमें आपको फाइव मोड्स देखने को मिलते हैं ठीक है एंड जैसे स्पोर्ट्स मोड पे करता हूँ तो एग्जॉस्ट सिस्टम की एक आवाज ही चेंज होती है जो मैं भी आपको बाहर जाकर दिखाऊंगा ठीक है जी यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे आपका इसका सस्पेंशन का ऑप्शन आता है ये देखिए स्पोर्ट्स हो गया ठीक है स्पोर्ट्स हो गया कंफर्ट हो गया ये देखिए अपने हिसाब से के सस्पेंशन भी एडजस्ट कर सकते हैं जो कि इस गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं स्पोर्ट्स पे भी स्पोर्ट प्लस पे कंफर्ट पे एंड इंडिविजुअल पे आपको चार मोड मिलते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे जो है वॉल्यूम अप डाउन करने के ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम की अगर आपको एग्जॉस्ट ऑन करना है तो यहाँ से यह आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ से एट टाइम ऑन है तो यहाँ से मैं चाहूं तो इसको बंद भी कर सकता हूँ ठीक है यहाँ पे आपका रियर व्यू कैमरा आपका वो देखने का आपको ऑप्शन मिल जाता है ठीक है जी यहाँ पे हम बात करेंगे इसको ओपन किया तो ये यह देखिए यहाँ पे आपको मिलता है टोरेज स्पेस मिलता है एंड अगेन फिर से अंदर आपको दो टाइप सी के पोर्ट मिलते हैं अपना यहाँ पे आप इजिली फोन लगाओ और अपना चार्ज कर सकते हो बाकी सीट्स की क्वालिटी देख लो वंस अगेन नो डाउट सीट्स वेल मेंटेनड और एल्केरा लेदर जो है एकदम वेल मेंटेन कंडीशन आपको मिलती है यहाँ पे जो है ये है गैस आपका स्टोरेज स्पेस मिलता है एक जो सबसे एक अलग चीज़ है मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई ये देखिए जी ये है डैश कैम एंड डैश कैम आपको पता है आज के टाइम पे बहुत जरूरी है कभी कई मिसहैपिंग ना हो जाए तो डैश कैम जैसे ही ऐट द टाइम बता दूँ ये डैश कैम जो एट द टाइम चल रहा है मैं इसमें अपने आपको देख पा रहा हूँ क्योंकि डैश कैम जो है अंदर का भी दिखाता है साइड भी दिखाता है एंड अपना फ्रंट का भी एंड बैक का भी दिखाता है कि डैश कैम से फॉर एग्जाम्पल कभी भगवान ना करे कोई मिसहैपिंग हो जाए तो डैश कैम मतलब आपको पूरा इस चीज़ के लिए आपकी पूरी इसमें रिकॉर्डिंग लाइव रिकॉर्डिंग चलती रहती है जैसे कि एट अ टाइम गाड़ी को मुझे स्टार्ट किए हुए अराउंड दो मिनट से ज़्यादा होगा तो इसमें पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है ठीक है इसके बाद अब आपको ये दिखा दिया एक मेन चीज ये थी अब सनरूफ दिखाऊंगा तो इसमें आपको मिलता है सिंगल सनरूफ अफ में आपको देखने को मिलता है पैनारामिक सन नहीं मिलता बाकी इसको हमने करना है क्लोज तो यहाँ से प्रेस किया तो ये देखिए जी यहाँ से हो जाता है क्लोज एंड यह का होगा यहाँ से मैनुअली तो अब हम बात करेंगे गैस मैंने आपको कार के अंदर से पूरी प्रोफाइल दिखा दी है अब आपको लेके चलता हूँ कार के बाहर और आपको बताने वाला हूँ कि ये कार हम आपको किस प्राइस में देने वाली है तो चलिए एक बार आपको लेके चलता हूँ बाहर और वीडियो के एंड में एक छोटी सी हम राइड पर भी चलेंगे और बताएंगे कि इसकी कैसी राइड क्वालिटी है क्या इसका एक मज़ा है क्योंकि आपको पता है मसेडीस जो एक शोफा ड्रिवन कार्स होती है लेकिन एम वर्जन की बात करें तो यार ये के नेक्स्ट लेवल है ए की बात करें ए एम जी हो गई एम स्पोर्ट हो गई तो ये फिर एक सुपर कार की कैटेगरी में आते हैं तो इनको शोफा ड्राइवर नहीं बोल सकता तो चलिए एक मैं राइट क्वालिटी भी इसको आखिरी में आपको दिखाऊंगा आइए अब मैं आपको शेयर करूंगा इस कार की डिटेल्स हो गया ये है आपकी मसीडीज़ बेंस जी एल सी फोर्टी मॉडल है रेड हॉट ब्यूटी है ड्रिवन की बात करूँगा सेवन किलोमीटर की गाड़ी चली है गाड़ी सिंगल ओनर है आपकी बात करूँगा इस गाड़ी में आपको एक्सटेंडेड सर्विस एंड वारंटी पैकेज दोनों गाड़ी में देखने को मिलता है अब बात करूँ इसके प्राइस की सो so, गाइज ये आपको कॉस्ट करेगी सिर्फ सिर्फ एटी सेवन पैन इंडिया फाइनेंस इस गाड़ी पे अवेलेबल है आपको इस कार के राइडिंग या किसी कार के राइडिंग कोई भी क्वारी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कार मॉल का नंबर आपको वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में देखने को मिल जाएगा वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपकी कोई और नीड है आपको बी चाहिए आपको मसीडीज़ बेंच चाहिए आपको ऑडी चाहिए आपको लेक्सेस चाहिए हर टाइप की गाड़ी इनके पास आपको देखने को मिल जाएगी मतलब बता दूँ जहाँ तक आपकी रीच है ना कार एंड दे हैबिट चाहे आपको जी वैगन चाहिए डिफेंडर चाहिए मैं बता रहा हूँ ना आपने बस बोलना है इनके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है बाकी मेरा काम है आपको बड़ी बड़े गाड़ी दिखाना सो आज के मौके में फिलहाल मैंने आपको ये गाड़ी दिखाई थी होप करता हूँ गाड़ी की कंडीशन सुपर टॉप नॉच अच्छी कंडीशन थी बाकी गाड़ी वेल मेंटेनड है सर्विस रिकॉर्ड के साथ है एंड सेवन थाउजेंड कुछ भी नहीं है गाड़ियों के लिए बाकी आपको कोई भी क्वारी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं होप करता सकता गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को आपने लाइक करना है शेयर करना है कोई भी स्कॉर्क राइडिंग क्वैरी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच गैस प्लस इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको इनकी रील्स देखने को मिलेगी तो चले गए आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए न्यू कार कलेक्शन लेके लेकर तत्क्रिया दोस्तों बाय बाय